तो हाँ दोस्तों, तो मेरा ये जैसे मैंने बोला था कि मैं रॉकी मूवी सॉरी केजीएफ मूवी का थोड़ा एनालाइज करूंगा, तो मैं बता रहा था, तो बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हूँ कि भगवान के ऊपर कैसे मेरा विश्वास उठ गया था। जैसे देवसेना का एक्चुअली उठा नहीं था, वो तो बस खड़ी थी और बाहुबली आया उसको 25 साल के बाद, बहुत जल्दी आ गया वो, तो मेरे लाइफ में भी बहुत जल्दी आ गया एक्चुअली, 42 साल 42 ईयर्स की उम्र में आया। मतलब पहले से था लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो था, आप समझ रहे हो। इतना मतलब परेशान हो गया था मैं, मैंने मैंने बोला मैं खुद भगवान हूं, और मैंने क्रिएटर को गाली दिया, क्रिएटर के ऊपर थूका, क्रिएटर को क्वेश्चन किया, और ऐसे करते 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 बहुत साल गुजर गए। लेकिन मुझे पता चला लास्ट ईयर, सचमुच में पता चला, पहले पता नहीं था लेकिन सचमुच में एक टाइप ऑफ सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस कि ये कहानी बहुत ही पुरानी है, कि पहले ऋषि मुनि ह्यूमंस इंसान लोग पंछी सभी परेशान हैं, एक श्राप लगा हुआ है एक लैंड के ऊपर, सभी परेशान हैं, हजारों साल या 100 ईयर्स डिपेंड ऑन विच युग। अब रावण तो 1 लाख साल जिंदा था, राइट, तब जाके राम आया, तो कृष्ण का भी ऐसा ही कुछ था, कंस ने काफी परेशान किया लोगों को। तो इस युग में इस गेम में इल्यूमिनेटी बैंकिंग सिस्टम, मतलब रावण के 10 सर हैं अभी, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार के सिस्टम, दुनिया भर के गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, फिर ऑफिसेस में लोग जो अच्छे लोगों को ऊपर नहीं आने देते, चापलूसी करते हैं और दूसरे को परेशान करते हैं, और फिर हमारे गेम में काफी विलन लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक है, चाइना है, अमेरिका है, काफी लोग हैं, काफी विलन हैं रावण के 10 सर की तरह। तो ये सब मुझे कब पता चला और कैसे पता चला, अवेकनिंग हो रहा था, ऐसा नहीं था कि अवेकनिंग नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सालों से समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि मैं गलत ट्रैप्स में फंसा हुआ था। मतलब अभी देखो, मैं ये नहीं बोलता कि ओशो को मत पढ़ो या विवेकानंद को मत पढ़ो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका एक पर्पस है, मतलब अगर सच 100 है तो उसमें से एक दाना वो देते हैं, वो दाना ले लो, वहां से निकल जाओ, आगे बढ़ो, समझो कि तुम प्लेयर हो, ये लीला है, लीला में प्लेयर हो, आगे बढ़ो। तो ये हर मूवी में दिखाते हैं कि एक है एक आएगा, वो एक क्या है, वो एक तुम ही हो, आप ही हो, विनम्रता पूर्वक मैं बता रहा हूं कि वो आप ही हो जो मृत्यु को कॉन्कर करता है मृत्यु के घर में ही, जो रावण का सर 10 सरों को मारता है अपने, लेकिन कैसे, पहले के युग था कि मतलब ठीक है तीर मार दिया चाकू मार दिया, तो मूवीज में तो ऐसे ही दिखाते हैं राइट, कि अच्छा रामा कृष्णा आकार रॉकी, रामा कृष्णा लाइट डार्क मर्जर इन यांग, वो आया क्रिएटर को क्वेश्चन किया, पहले तो वो सारे स्लेव्स को जो लॉकडाउन में है केजीएफ में उनके ऊपर वो बिल्कुल भी दया नहीं खाता, लेकिन अंत में वो काली माँ की का ही बेटा है, जैसे कि मैं हूं, जैसे कि आप हो, सभी
वो तुम्बाड मूवी में जैसे दिखाते हैं कि हम सब उनके जगत जननी के कोक में हैं, उनके वूम्ब में हैं, हम सब खिलाड़ी हैं, इसलिए इंटरनेशनल खिलाड़ी, ये खिलाड़ी, वो खिलाड़ी। ये दुनिया एक जायंट मिरर की तरह, एक शीशे की तरह है, जो हमारे अंदर का जो इमोशंस है उनको वो दिखाता है। अभी मूवी में, अभी मूवीज अब पूछते रहते हैं, मूवी का एग्जांपल क्यों, मैं लाइफ का भी देखता हूँ, लाइफ का भी एग्जांपल मैंने बहुत दिया है। जैसे मैं रोड पे जा रहा हूँ, सडनली कुछ दिखा, नंबर दिखे, एंजल नंबर दिखे, लोग दिखे, नाम दिखा, सभी इसी के बेटे हैं, इसी के बच्चे हैं, बेटे बेटियां अब बोल सकते हो। तो जब होप्स छूट जाता है, आदमी मतलब परेशान हो जाता है, फाइनली आपको आंसर मिलता है कि आप ही हो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, आप ही के अंदर भगवान है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आएगा, भगवान आप ही के अंदर है। इसलिए आप बोलोगे भगवान मेरे को 1 करोड़ दे दे, भगवान वो दे दे, ये दे दे, तो मतलब एक स्टुपिडिटी हुआ ना, क्योंकि वो आप ही हो, आपके अंदर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 1 करोड़ दे देगा, वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये गेम है, गेम के कुछ नियम है, नियम के हिसाब से चलेगा। अगर आपको, आपके पास नौकरी भी नहीं है, लेकिन वो भगवान आपको इंश्योर करेगा कि आपके पेट में दाना जाए, आप जिंदा रहें, क्योंकि गेम अंत तक खेलना है, तो जिंदा रखेगा आपको, उतना तो गारंटीड है। क्योंकि गेम जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक परेशान रहेंगे आदमी। और लास्ट में पर्सियस की तरह ये चाकू से गरुड़ा को मार देता है। अब इसका नाम गरुड़ा ही क्यों है, क्या ये पर्सियस गरुड़ा है, ये कहानियां पढ़ता है, ये परशुराम की तरह ये चाकू मारता है इसको, क्या ये हमारा जो डायरेक्टर है वो, उसको पर्सियस के बारे में पता है क्या, उसको पता है कि मेष वृषभ राशि में तो इस डिग्री में पर्सियस है, और गरुड़ा हर 1000 साल में वो मतलब पैदा होता है, फायर आता है, क्या उसको पता था? अब कितना एलोवेंस लेंगे कि हाँ इनको ये सब पता है, राजमौली को सब पता है, या इसको, इसके पिक्चर का डायरेक्टर जो भी है उसको सब पता है, उनको कॉन्शियसली नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है, वही है एनपीसी। एनपीसी का मतलब यही है कि उनके पास सब कुछ है, प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन उनको वो अवेयरनेस या वो सुपर कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर नहीं है। प्लेयर आप हैं, मैं हूं, जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी, और वीडियो जो समझ रहा है बाय द वे। तो एल डोराडो का जिक्र हुआ है मूवी में, जहां बहुत सोना है, और उसके ऊपर काफी गेम्स भी हैं, सिविलाइजेशन 6 है, पायरेट्स है, जर्नीमैन प्रोजेक्ट है, पिटफॉल है, मूवीज भी बहुत हैं, एल्डोराडो, मास्क ऑफ जोरो है, ठीक है, गोल्ड है, KGF चैप्टर 1 है, जो मैं अभी आपको एनालाइज करके बता रहा था। तो वही है, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, और जब हर चीज जो आप मांगते हो वो नहीं मिलेगा, इतना याद रखो। आप बचेंगे, आप रहेंगे, अगर आप ट्रुथ के साथ हैं, आपको कुछ नॉनसेंस वायरस आपको नहीं मारेगा। लेकिन हाँ, अगर आप करोड़ रुपए मांग रहे हैं तो सोच लो, क्योंकि वो इस गेम का नियम नहीं है। अगर आप द्वापर युग में या सतयुग में या किसी और युग के गेम खेल रहे होते तो आपके पास ऐसे ऐसे सुपर पावर्स होते जिसमें मतलब सडनली आप उड़ सकते हो। लेकिन इस बार का जो वेपन है, इस बार जो हमारे पास अस्त्र शास्त्र जो भी है, वो हमारा माइंड है, इतना याद रखो। ठीक है दोस्तों, तो समझो गेम को। मैं, मुझे पता है टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करो, कोशिश।